जब ये कंबल बांट रहे थे ना भाई, इन्होंने मेरा दिल छू लिया। सही बात है, ये तो गरीबी से। और दूसरा दूसरा बंदा है सूफी, जो भाई अपना तन मन धन से भाई पेट्स की सेवा करता भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। और तीसरा बंदा सर्चिंग पे अभी नीचे सारे कान लगा के बैठे थे, कौन है तीसरा बंदा, कौन है मैंने अभी सर्चिंग पे जाएगा बता दूंगा। एक एक मिनट कोई आया जरा। और पनोटी भाई कैसे हो? बस सागर भाई मैं तो ठीक हूँ यार, देखो बस भाई आप आपके लिए तो दिल हाजिर है। अरे थैंक यू सो मच यार, सच में रियली आपके लिए दिल हाजिर है। हुकुम तो करो। अरे नहीं यार हुकुम तो, अरे नहीं नहीं हुकुम सिर्फ मैं हैकर लोगों को करता हूँ, किसकी आईडी उड़ानी है। अरे यार आईडी वाईडी नहीं, वैसे अपने भाई के लिए हुकुम करो एक बार करके देखो। अरे नहीं वो तो सागर भाई हम आएंगे तब पक्का मिलेंगे आपको, डेफिनेटली बड़ी मैं आपको पक्का मिलूंगा सागर भाई। एक बार अपने भाई को बोल के देखो, देखो सागर भाई एक आपसे मिलूंगा और एक सूफी से मिलूंगा, दो लोगों से मैं पक्का मिलूंगा, उसके अलावा मैं किसी और को मिलने वाला नहीं। आप एक बार भाई को गुम करो, ना पूरा हो तो बोलना। नहीं नहीं यार हम साथ में रहेंगे। फेसबुक पे आना, ये इंस्टाग्राम पे आना ही छोड़ देगा एक बार आपने। सागर भाई, सागर भाई, हाँ भाई, सागर भाई एक मैं आपसे, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी एक्चुअली ना आज बहुत सारी हम एक्चुअली दो तीन दिन बाद आए हैं और पनोड़ी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी आज, तो मैं चाहता हूं कि आप भी बातों को ध्यान से सुनो सागर भाई। और पनोड़ी भाई आप अगर आप कुछ बात कहना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप बात को शुरू करो पनोड़ी भाई, क्योंकि सब लोग नीचे से मैसेज कर रहे हैं। लव यू है, अभी मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरा यार, लव यू सागर, लव यू सो मच बड़ी पनोड़ी भाई को, लव यू सागर, पनोड़ी भाई को कॉल करूंगा ठीक है, पक्का पक्का भी भाई आपको कॉल करूंगा, फिर बात करते हैं। अभी मैं रेस्टोरेंट में आया था, अभी लोग है ना, ठीक है भाई, ठीक 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 भाई, ठीक, लव यू पनोड़ी भाई। सब भैया सागर भाई को भी फॉलो कर लो भाई, अपने भाई हैं सब भैया फॉलो कर लो इनको। चलो भाई और सुनाओ पनोड़ी भाई कैसे हो आप, इतने दिन कहाँ थे यार आप? अरे मैं समर, अब समर शुरू हुआ ना तो आई हैव टू डू लॉट ऑफ स्टफ बड़ी, बिकॉज के लास्ट समर तो मैंने ये इंस्टाग्राम की कॉन्ट्रोवर्सी में, इंस्टाग्राम की बकचोदियों में मैंने बर्बाद कर दिया था। लास्ट समर में मैं कुछ कर नहीं पाया था यार, लेकिन इस समर में मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से दूर रहूंगा, बिकॉज के मुझे दो तीन दिनों से ऐसा रियलाइज हो रहा है सूफी भैया के ये जो लाइव है वो सिर्फ एक रील लाइफ है, और मेरी जो रियल लाइफ है ठीक है उसको मैं सही ढंग से मैं जी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज के ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने लाइक ज्यादा एक्टिव में रहा हूँ पिछले 1 साल से इंस्टाग्राम पे। पहले मैं और दीपक लाइव पे आते थे तो हमारा पूरे वीक में शायद दो तीन दिन या मे बी 4 डेज हम लोग रोस्टिंग करते थे, नॉट एवरी नाइट ठीक है। तो पिछले 1 साल से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने ये रियल लाइफ में ना मेरी रियल लाइफ को मैंने कहीं ना कहीं खो दिया है ना, क्योंकि भाई आप पंजाब में बैठे हो, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, हमारे जो व्यूअर्स बैठे हैं वो अपने अपने घर में बैठे हैं, ना तो किसी के साथ हमारा फिजिकल मीटअप है, ना तो किसी के साथ हमारा फिजिकल हाई हेलो है ठीक है। तो भाई मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि भाई इन लोगों के चक्कर में भाई हम अपनी पर्सनल लाइफ या फिर हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसको हम क्यों खराब करें। सही बात है ठीक है, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूं कि भाई अब ये इंस्टाग्राम में मैं अपना समर वेस्ट कर दूं, क्योंकि भाई यहाँ पे अमेरिका में स्पेशली न्यूयॉर्क में एंड स्पेशली लॉन्ग आइलैंड में यहाँ पे समर फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। अभी कल सैटरडे है ना, तो कल मेरे विलेज में
कल बहुत बड़ा यहाँ पे एक फेस्टिवल है, स्ट्रीट फेस्टिवल है, वो सुबह के 10 बजे से शुरू होगा तो रात के 9 बजे तक। ओके हाँ, अब यार ये मैं तो शायद अब सच बोल रहा हूँ सुखी भैया, शायद मैं इस वीक में या तो फिर कमिंग फ्यू डेज में मैं अपना ये मेरा मेरी आईडी भी मैं डीएक्टिवेटेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई ये सारी बकचोदियों में नहीं आना है। बैंचोत बहुत हुआ ही है, ये बैंचोत खेला शुरू करो, लंड शुरू करो, बुन लोगे लंड लोगे, अरे बैंचोत दोगे तो सब लोग दोगे, क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे मुझे मिले इंस्टाग्राम से, जितना भी मैंने मैंने फेमस होना था मैं फेमस हो गया। अब बहुत हुआ ये रंडापा, ये चूतियापा, रंडी रोना और रंडी नाच। तो बस यार इसी दो तीन दिनों से मैं यही सारी बातों में उलझा हुआ था, मैं कहीं ना कहीं सुलझा हुआ था। और ऐसे भी यार अब नेक्स्ट मंथ को मेरी बेंटली आ रही है ब्रांड न्यू, तो बेंचो बेंटली को ड्राइव करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये बकचोदी में क्या रखा है यार, कुछ मत रखा है। सही बात है भाई, है ना। ये बैंक के लोड़े यहाँ पे जो 930 लोग बैठे हुए है वो अपने अपने घरों में बैठे हुए है, ठीक है। ये बेंच और लाइव देखते देखते सो जाएंगे अभी, फिर नीचे कमेंट करेंगे इसको गाली दो, उसको गाली दो, ये करो वो करो, तो तुम्हारे माकी चू तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारा गुलाम हूं मैं, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, है ना। तो यहाँ पे भैया ना कोई जज्बात के, ये जितने भी लोग बैठे हुए ना नीचे, ना तो उनको आपके साथ कोई जज्बात है, ना तो मेरे साथ कोई जज्बात है। इन लोगों को मादर चौदों को चाहिए सिर्फ फन, उसमें या तो आप मेरी माँ बहन को चोदो, या तो मैं आपकी माँ बहन को चोदू, या तो मैं किसी की माँ बहनों को चोदू, या तो भी सोनिया यहाँ पे आके नंगी हो जाए, यही इन लोगों को चाहिए। बस नंगी हो जो देना, इन्होंने कुछ ढेला नहीं, मुझे फ्री फंड में नंगी कराते रहो, ये तो मुठिया मार के सो जाएंगे। अब मेरे नीचे खुजली मची रहेगी, मैं कहाँ ठंडी होंगी, मैं किसका जाके लूंगी, ये बताओ। हाँ, तो इन लोगों का जो व्यूअर्स लोग होते हैं वो बहुत ही बैंचो झगड़े करवाते हैं, यहाँ का डीएम सुधर करेंगे, उधर का डीएम सुधर करेंगे, रिकॉर्डिंग करके उसको भेजेंगे। भाई गर्मी में, वैसे एक बात तो है, पनौड़ी कई बार गर्मी में ठुकाई का मजा बहुत आता है, पता है तुमको? इंडिया में तो अभी बहुत गर्मी, इंडिया गर्मी ये ढींगरा को ले ले ऊपर, उसको बहुत हंसी आ रही है कब से। कौन सा हिजड़ा? अरे भारतीय ढींगरा। अरे भारतीय, ये तो बेचारी मोटी है, ऐसी बैठी, इसको कहूंगी आज मम्मा दिखा अपना यहाँ पे जरा, इसके मम्मी मोटी। भारती जब बात करती है ना, भारती जब बात करती है तो उसकी हमेशा आधी जी बाहर रहती है ऐसे। मैंने तो बता ही नहीं, पंख लगा लेगी ये देख, मैं क्यों बोल दो फिर पंख लगा। भारती बोल के दिखाओ, हेलो, देखो देखो आधी जी उसकी बाहर रहेगी। अच्छा आपने नोटिस कर लिया, मतलब इतना कुछ ना। देखो देखो भाई, मैं सब भाई ऐसे ही मुझे किंग थोड़ी बोलते है। यू आर राइट। अच्छा भारती एक बात बता, तेरा मम्मा कितने किलो का है कि ये बता आज? ऐसे मैंने वेट थोड़ी की है, तो अपने हाथ में लेके पता तो लग जाता है, जैसे मेरा 1 किलो का है बस। तेरा 2.5 किलो का तो होगा, हो सकता है। क्यों तेरे को कभी पता नहीं लगा तेरा मम्मा कितने किलो का है? मेरा तो वो 1 किलो का है, ज्यादा नहीं है बस। भारती बता बता, तो यूट्यूब पे फिर से देखेंगे। आपसे तो है, मतलब थोड़ा बड़े हैं, रहते 2.5 किलो के तो होंगे वैसे। मेरा 2.5 किलो का मम्मा, जरा धीरे से लगाना। नहीं कितने किलो का? अच्छा सही से बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अपना मम्मा बता कितने किलो का, ये बता। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसे हाथ में लेके नाप के देखना, हाथ में लेके ऐसे ऊपर उठाना। बता जल्दी, तेरे को अंदाजा तो, तेरा तेरा वेट कितना, तू अपनी बॉडी का वेट बता जरा। 69। वाओ, 69 आजकल बहुत चल रहा है इंडिया में, बता तेरे को बहुत पसंद है लोगों को 69।
60 तेरे कम से अगर तू 69 की है तो तेरा एक एक मम्मा 5-5 किलो का तो होगा, 10 किलो का तेरा मम्मा ही होगा। हेलो हाँ सच में तेरे 5-5 किलो के मम्मे होंगे, मेरा तो एक मम्मा ही बेचारा 1 किलो का 50-50 ग्राम के है। तो फिर तुम्हारे तुम्हारे दाने कितने ग्राम के होंगे? 5 ग्राम के 100 ग्राम के बस भाई, ये तो तुम्हें तोल के देखना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। तुम हाथ में लो तो मम्मी लगते हैं बड़े बड़े हैं, भारती के तो पपीते हैं, पपीते भारती की मम्मी का पपीते मतलब मेरी पर्सनालिटी पे सूट करते हैं। तू कितने नंबर की ब्रा डालती है? 36 की। बता मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कितने की? 36 काफी बड़ा होते हैं फिर तेरे के मम्मा पापा के लोग आए फिर तो, हमारे तो 34 में भी पूरे आ जाते हैं। नहीं। है बड़ी लेकिन 34 में भी पूरे आ जाते हैं मम्मी। मेरा साइज ठीक है, परफेक्ट है। हेलो। नहीं नहीं तुम भी परफेक्ट हो, टेंशन मत लो। पनौड़ी वहाँ पे गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है तुम्हारे अमेरिका में? यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई अब। ओ बाबा, मैं तो सोचती हूँ इस टाइम श्रीनगर में इतना मजा आ रहा होगा ना जहाँ पे दीपक है, गर्मियों में सर्दियों का एहसास ले रहा है वो। नहीं नहीं यहाँ की गर्मी यहाँ की गर्मी कैसी हो गई है पता है तुझे? यहाँ की गर्मी का टेम्परेचर होता है मैं भी अपना ले लो, ज्यादा से ज्यादा बहुत गर्मी होगी ना तो 30 डिग्री बस। अरे बाबा हमारे यहाँ तो इंडिया में आग लगी पड़ी है, आग कमरों के अंदर आग। सही बात है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। और अभी तो गर्मी पड़ी, ये बुरा हाल तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने भयंकर लोड़ो जंगल बंगल काट काट के वहाँ पे तुम लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, ये तुम लोगों की घटिया सोच की वजह से सब सारी चीजें हो रही। सोच मत है मेरा, बस चले मैं तो झाड़ियों में चली जाऊँ आज भी वहाँ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मादरचोद ये नेता लोगों की जेब में और मुंह में पैसा ठूस के जो जंगलों की जमीन होती है वहाँ पेड़ पौधे काट काट के मादरचोद वहाँ पे लोग बिल्डिंग से बिल्डिंग अवकाश है, ये तुम्हारी अवकाश है ताले करप्ट लोग। नहीं मेरा बस चले मैं तो चटाई और तेल लेके झाड़ियों में चली जाऊँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत फ्रीलांसर हूँ। हेलो हेलो, कैसी रही आपकी कश्मीर की यात्रा? बहुत अच्छी। हाँ सागर भाई, पनौड़ी भाई। हाँ भाई, आपको गरीब लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, देखो मैं कल से देखो आपके लिए क्या करता हूँ। मेरे को भी खिला दो। हाँ खिला देंगे, आपको भी खिला देंगे। एक बार पनौड़ी भाई से हाँ करवा दो। अरे हाँ यार, गरीब लोगों को खाना खिलाओ सागर मुंजर साहब, उसमें यार हमारा सब कुछ उसमें है यार। किसी की आत्मा को यार रोटी मिल जाए, किसी गरीब को बेचारे को अच्छा खाना। लोगों को कहना चाहती हूँ आप लोग अपने छतों पे कटोरा भर के पानी रखें। कल भाई तुम्हारी तरफ से कल बताओ कितने लोगों को खाना खिलाऊं बताओ। अरे नहीं यार, वही अपना 15-20 लोगों को खिला दो यार, अपना तो किसी को खाना पीना मिल जाए अपने लिए। 100 लोगों को खिला देगा, बस एक बार तुम हाथ भरो। सागर भाई हाँ भाई, एक बात पूछूं भाई आपसे। कल भाई महाजन वहां पे अपनी लाइव पे बैठ के गाली दे रहा था, आप कुछ कहना चाहोगे? किसको? अरे मेरे को और दीपक को और किसको भाई? भाई क्यों दे रहे हैं यार, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? भाई फेम के चक्कर में बदनाम हो गया भाई, वो इतना गिर गया भाई। बताओ भाई, मैं एक बात बताऊं, जिस टाइम पे महाजन अपना दीपक भाई से दूर हुआ उस टाइम पे उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। रियल बात है, रियल बात, मां कसम मैं उसके मुंह के ऊपर आकर बोलूंगा ये बात सच में। उसने मैं बहुत दुखी हूँ,
अरे लेकिन क्यों, क्या हुआ? उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया भाई। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ पनौड़ी। इससे तुम्हें कहीं आदित्य बालियान ने तो प्रेग्नेंट मत कर दिया है? किसी ने बिना पैकेज, किसी ने बिना लिफाफे के फाड़ दिया, किसी ने बिना लिफाफे के डाल दिया। ओह माय गॉड, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें कहीं आदित्य बालियान ने तो प्रेग्नेंट मत किया है सोनिया? आगे आदित्य बढ़िया खुद ही दूसरों की उसका गरीबी वाला बच्चा तो मत पल रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है, मैं ज्वाइन होता हूँ, मुझे फोन आ रहा है। नहीं पनौड़ी, मैं गरीब का बच्चा नहीं पैदा करूंगी, मुझे ठोक के पैसे वाला चाहिए, जैसे कि सागर मुंजाल। मैं तो किसी और का बताया, नहीं कोई बानी, बच्चे तो मासूम है, उन बेचारों को क्या पता कहां से आना कहां से नहीं आना, बच्चे तो मासूम होते हैं ना, ऐसी गोली और कहते गिरा दे ये बाप। नहीं यार नहीं, मैं ठोक के रहूंगी। मैं चाहती हूँ इसमें ना, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर सारे जितने मेरे इंस्टाग्राम के फ्रेंड है वो सबकी एक्टिविटी आए उस बच्चे के, सबकी सपोर्ट हो। सुनो, हाँ सबकी सपोर्ट हो तो शक्ल फिर जब बाहर आएगा ना तो पता लगेगा शक्ल किसके जैसी है, यहाँ के जिसके जैसी है। I-20 and I-10 और बहुत सारी गाड़ियां मिक्स होंगी उसकी शक्ल में। भाई सागर भाई, आज मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, आप एक बात बताओ, मैंने इससे शादी करने से पहले ये कसमें नहीं खाई थी कि जो इसकी छोटा पेट है उसे मैं मोटा करूंगा, लेकिन मैंने इसके छोटे पेट को मोटा कर दिया। लेकिन भाई ये सूफी भाई, आपकी लाइफ पर इसने कितना गलत बोला। अब रोके जा रही है, अब मैं क्या करूँ, मैं किसको मुंह दिखाऊं अब जाके? अरे मुंह मत दिखाओ, चूत दिखाओ। उसने प्रेग्नेंट मुझे, मैं क्या करूँ, दिखा दिखा के तो प्रेग्नेंट कर दिया। आरी मैया, आरी मैया, दर्द हो रहा है क्या? बहुत, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आ जाना, ना कि गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में वो सुइयां मारते बड़ी बड़ी। ना ना, मैं तुम्हें गोद में लेके चलूंगा, मैं तो अपने अपने जान के वैक्सीन लगाता हुआ लेके चलूंगा गोद में। क्या गवर्नमेंट में मुंजाल जी, आप हमें डिक्की में बिठा, मैं भी आ रहा हूँ सामान लेके। मुंजाल जी, मैं डिक्की में बिठा के ले जाना दोनों को, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे तुम्हें भी पुण्य लगेगा, बिठा दूंगा। नहीं तुम्हें भी पुण्य लगेगा ना थोड़ा बहुत, फिर ऐसे लग रहा सोनिया का दिल आ गया मुंजाल भाई पे। फिर ऐसे करना, फिर आदित्य गाड़ी चलाएगा। बहुत बढ़िया काम कर देता है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर देता है। फिर सोनिया, अगर देख मेरे साथ रहना तो गड्डी में नहीं गुड्डू पे बैठ के चलना पड़ेगा। अरे तुम दोनों भाई आराम आराम से चलाना, एक बार तुम चलाना सागर पीछे आ जाएगा, एक बार सागर चलाएगा तुम पीछे आ जाना, ऐसे करके एक बार छाते पे बैठ जाएंगे, एक बार नीचे बैठ जाएंगे, एक बार छाते पे बैठ जाएंगे। और क्या भाई, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो थोड़ा खुला रहना चाहिए ना माहौल। माहौल के साथ हॉल नहीं नहीं, जो तुमने तोलिया खोल के जो होल चौड़ा किया है ना भाई, माहौल खराब कर दिया तुमने सच। सुखी भाई, हाँ ठीक है भाई। अच्छा सोनिया, हाँ जी भाई। अच्छा भाई आदित्य भाई, बाय बाय। अरे भाई बैठे रहो। अरे मेरा घर आ गया यार, यो देख भाई मेरी बात तो सुनो। सागर भाई आपकी गड्डी में नहीं जाएगी ये, मैक्सी पहन के टैक्सी में जाएगी। अरे भाई मेरी गड्डी में तो हूँ, कौन जा सके यार, मैं तो हूँ पूरा भर रहा हूँ गड्डी से। अरे अभी तो कहाँ आ गया तुम्हारा घर, अभी तो कहाँ, अभी तो रोड पे ही चल रहे हो। नहीं ये सामने अपार्टमेंट है ना, उसी में जाना है। तो हमें भी हाँ हेलो करवा दो आंटी को, मैं बोल देती हूँ आंटी मैं आ रही हूँ आपके घर। बहुत जल्दी करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? वही तो कह रही हूँ। गोल्डी भाई देखो क्या कर रहे हैं, गोल्डी भैया मेरा घर टूट जाएगा। गोल्डी भैया बहुत मुश्किल में, देखो एक बात बताऊं सागर भाई, हम दोनों की एक जो अच्छी बात है, न तो इसे कोई लड़का मिलने का मेरे से अलग, और न मुझे कोई लड़की मिलने की इससे अलग। तो मेरे को वो तेरा सिस्टम फिट रहे एकदम।
हम दोनों जिंदगी में अकेले जी रहे हैं, देख लो वो अटैची उठा उठा के घूम रहे हैं और मैं अपने पेट उठा उठा के घूम रही हूँ हर जगह, कुछ नहीं मिलने वाला। बताओ लेकिन एक बात है सोनिया, हमारे जो बच्चे होंगे ना भाई इतने अच्छे होंगे ना कि उन्हें कच्चे पहनाने की जरूरत नहीं, इतने सुंदर इतने अच्छे बच्चे होंगे। बाकी एक बात है, भाई कुछ भी हो अपनी इंस्टा फैमिली को लव यू है भाई, देख बहुत अच्छे से बहुत नाम रोशन कर रखे हैं हमारी इंस्टा फैमिली, आस पास आके बहुत मजा आ जाता है एक दूसरे से बात करके। हमारी इंस्टा फैमिली बहुत नाम रोशन कर रखा है, हर जगह पे हमारी लाइव है। और भाई अब तो मैं सच बताऊं, देखो आज आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे सच में, मैं तू भी वेरी ऑनेस्ट में लाइव पे बोलता हूं, मुझे एक ऐसा प्रमोशन मिलने वाला डब्बे का, बात चल रही है। अच्छा डब्बे का? हाँ, डब्बे का क्या करोगे तुम, गार्ड में घुसोगे डब्बा? कंडोम का। अच्छा ओके ओके ओके। सर सोनिया बाज सागर, देखो कितना अच्छा नाम है ना, जो इसने गोल्डी ने बहुत अच्छा नाम रखा सोनिया बाज सागर, वाओ हमारी शादी के कार्ड पे सोनिया वाला सागर कितना अच्छा नाम होगा। और जो भाभी कह रहे हैं आज जोड़ के बुलाऊंगा हैं, मैं तो हाथ मैं तो लहंगा उठा उठा के बुलाऊंगी सबको अपनी शादी। लेकिन एक बात है सोनिया, जो कोई आएगा खुद ही अच्छी है, मैं तो दरवाजे की मारी खड़ी हूं, जो तेरा हस्बैंड है वो पैंट कैप्स लेके घूम रहा है। मैं तो अपने मेरे को सिक्स पैक वाला नहीं चाहिए, मुझे हड्डा कट्टा चाहिए, मुस्टंडा आठ सागर भाई आठ डोले। इसने तुम्हारी गड्डी देख ली अब तो भाई, ये भाई ये ओड़ी में घोड़ी बन गए ये। नाउ आई एम गोइंग टू माय अपार्टमेंट। ओके ओके जानू, वीडियो कॉल पे बात करना रात को जब कमरे में अकेले हो, ठीक है जानू? एक लाख में कभी होता ही नहीं अकेले नहीं होते तो बाकी